इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। वैक्सीन जो हम लेते हैं उसके बाद जो सर्टिफिकेट देते हैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीर रहे, मुझे कोई कुरेज नहीं है, लेकिन अगर एक साइंटिफिक कम्युनिटी के अचीवमेंट के सर्टिफिकेट पर आपकी तस्वीर है तो पूरे इस तथाकथित सिस्टम के फेलियर पर भी तस्वीर होनी चाहिए। फिर तो मौत के प्रमाण पत्र पर भी हो, क्योंकि ये मौतें अनायास नहीं हुई। अच्छी संवेदनशील सरकार वो होती है जो जय हिंद बोलने के साथ ये भी जज्बा रखे, हौसला रखे, आई एम सॉरी हमसे गलती हुई। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट, मैं हूं शादाब मोइजी और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनोज कुमार झा हैं, राज्यसभा सांसद। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई इस देश में कोरोना के दूसरी लहर में, सरकार के पास उसका जो है आंकड़ा नहीं है, सरकार ने नहीं दिया है। तो सर मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि आपने जो माफीनामा कहा है कि साझा माफीनामा होना चाहिए, क्या माफी काफी है? देखिए काफी तो कतई नहीं है शादाब जी, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, माफी तो कतई नहीं है। लेकिन जिनकी मौत को हम मान ही नहीं रहे कि उनकी मौत हुई है, उसी दिन राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। उसी दिन इस तरह से बहस चल रही थी कोविड पे जैसे कि पौने दो महीना इस देश ने कोई ऐसे ही आके चले गए, कोई बुरा सपना भी की तरह भी ट्रीट नहीं हो रहा था। तो उस संदर्भ में जो आपने मुझसे कहा, ये मेरी व्यक्तिगत भावुकता ही नहीं थी, एक असहाय, एक ग्रीव्ड नेशन जिसको मैं कहता हूं कि पूरा देश शोकाकुल था, शादाब जी ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा ही नहीं थी बल्कि एक सामूहिक पीड़ा थी। और अगर सामूहिक पीड़ा को डेमोक्रेसी के सबसे ऊंचे फोरम पे वो जगह ना मिले जिसकी वो हकदार है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम माफीनामा तो उन परिवारों के लिए जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान में टोकन लेकर के दो दो दिन इंतजार किया, जिनको वो जगह नहीं मिली तो गंगा में लाशें फेंक दी, मैं समझता हूं कि वैसी तमाम मौतें उनके परिजनों को कम से कम एक स्टेट की ओर से, सदन की ओर से अगर एक माफीनामा जाता है वो काफी नहीं है, मैं इत्तफाक रखता हूं आपसे, लेकिन वो कम से कम एक संदेश तो देता है कि हमारी संवेदनाएं बिल्कुल मरी नहीं है, कम भले हो गई हूं। इसी दृष्टिकोण से मैंने वो बातें सदन के पटल पर रखी थी। राइट टू हेल्थ की जो बात आपने उठाई है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लग गया उस सवाल को उठाने में। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक रखता हूँ। देखिए दो चीजें हमें गौर करने की जरूरत है, हमारे कई नवउदारवादी साथी नहीं मानेंगे, हमने 90 के दशक के बाद से हेल्थ को एक कमोडिटी के रूप में बाजार को सौंप दिया। देखिए बाजार का अपना व्याकरण होता, मैं बाजार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा अगर आप बाजार को सौंप देते हैं तो बाजार लाभ हानि के समीकरण पे काम करता है। हेल्थ को लाभ हानि के समीकरण के नजरिए की जरूरत नहीं है। ये नजरिया कैसे बदलेगा, आप देखिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 60s 70s तक हमारे पास सुविधाएं कम थी लेकिन उनकी हालत वो नहीं थी जो इन दिनों हो गई है। तो आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं ना डिसइन्वेस्टमेंट, जो आप बाकी कंपनी में कॉर्पोरेट में करते हैं, हमने एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया, विड्रॉ करते गए, नतीजे में वो हालत हमने देखे, क्योंकि 18 के बाद आपने कोई पैंडेमिक नहीं देखा था। छोटी मोटी हेल्थ क्राइसिस होती थी, आप समझते थे कि बड़े रोबस्ट देश हैं, मजबूत देश हैं, हम ये मैनेज कर ले जाएंगे, किसी हद तक आप कर भी लेते थे, लेकिन एक पैंडेमिक ने आपके फॉल्ट लाइंस को ओपन करके रख दिए, एक्सपोज वल्नरेबल दिख गया। लेकिन इस पैंडेमिक ने जिसने तहस नहस मचाया है, इसने एक अवसर भी दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेट्स वर्क टुगेदर, एंश्योर कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 शैल स्टैंड मीनिंगलेस अगर हम उसमें ये कॉम्पोनेंट एक एम्पावरमेंट के टूल के रूप में नहीं देते। और ये डूएबल है शादाब जी, पैंडेमिक से डिवास्टेटेड मुल्क ने जिसमें लगभग हर व्यक्ति ने किसी न किसी को खोया है, हम में से कोई एक इंसान नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी जानने वाले को
इस दुनिया से जाते नहीं देखा पौने दो महीने में। ये इसलिए एक एक अवसर है, चुनौती ने अवसर दिया है कि हम इस पर साझा रूप से काम करें। देर तो हुई है लेकिन अब अंधेर ना होने दें, ये मेरा मेरी गुजारिश थी सदन से, तब सभी पॉलिटिकल पार्टी से। गंगा में तैरती लाशें या गंगा के किनारे रेत में लाशों को दफन किया गया, ऑक्सीजन के लिए लोग अस्पताल के बाहर से लेकर दुकानों में तड़पते रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई तो जिम्मेदार तय किया जाएगा ना, या चुनाव ही सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि चुनाव में जनता वोट नहीं देगी तो फैसला होगा? लाचारी हमारी भी थी, 100 लोगों के लिए अपील करते थे, फोन खड़काते थे तो एक दो को मदद मिल पाती थी, और मैं जानता हूं कि मदद की चीजें ही नहीं थी। अब ये जो है ना कि गंगा में तैरती लाशें हों या रेत में दबी वो जो भी, मैंने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि उस दौर में एक बहस चल रही थी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी सिस्टम जी के नाम से, डियर सिस्टम जी, और मैंने कहा मैं आपका पता ढूंढ रहा हूं, आप रहते कहां हैं? उस लेख के आलोक में मेरा मानना है कि सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना नहीं, सिस्टम के पीछे प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ब्यूरोक्रेसी है, पूरा एक हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कोलैप्स किया तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वैक्सीन जो हम लेते हैं उसके बाद जो सर्टिफिकेट देते हैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीर रहे, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर एक साइंटिफिक कम्युनिटी के अचीवमेंट के सर्टिफिकेट पर आपकी तस्वीर है तो पूरे इस तथाकथित सिस्टम के फेलियर पर भी तस्वीर होनी चाहिए, फिर तो मौत के प्रमाण पत्र पर भी हो, क्योंकि ये मौतें अनायास नहीं हुई। मैं कतई नहीं मानता हूं कि सिर्फ कोविड की वजह से फलाने दुनिया से चले गए, आप तो ऑक्सीजन की कमी को डिनाई कर रहे हो आज, तो पौने दो महीना इस देश के लोग, करोड़ों लोग नाटक कर रहे थे क्या, अपने परिजनों को लेके ऑटो में ऑक्सीजन की व्यवस्था करके उसकी सांस चलाने की कोशिश कर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतारें हुआ करती थी, वो सब झूठ बोल रहे थे, वो सब के सब नौटंकी कर रहे थे। मैं अभी भी कहता हूं कि अच्छी संवेदनशील सरकार वो होती है जो जय हिंद बोलने के साथ ये भी जज्बा रखे, हौसला रखे, आई एम सॉरी हमसे गलती हुई। आपने वैक्सीन का भी जिक्र किया है, रफ्तार अभी भी धीमी है। देखिए रफ्तार इसलिए धीमी है कि आपने इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से कभी डिजाइन ही नहीं किया। वैक्सीन पिछले साल के आखिर में विकसित हुई थी, आपने कहा बिना वैक्सीन के ही हमने कोरोना का हरा दिया, आपने इसको एक न्यूज आइटम में हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज बना दिया, तभी भी लोग आगाह कर रहे थे, मेडिकल फ्रेटर्निटी आपको आगाह कर रही थी, पॉलिटिकल कम्युनिटी से बहुत सारे लोग आपको आगाह कर रहे थे कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन ना करो। अगर आप तीन हिस्सों में बांटे कोरोना के खिलाफ रिस्पॉन्स की गवर्नमेंट की, पहले आपने ओवर सेंट्रलाइज किया, आपने नीति आयोग में कोविड वॉर रूम बनाया, आपके मंत्री वगैरह क्या बयान दे रहे थे, कोई पापड़ खिला रहा था, कोई काढ़ा पिला करके ठीक कर रहा था, वो छोड़ दीजिए, ब्लैक चॉकलेट भी चल रहा था, हाँ ब्लैक चॉक डार्क चॉक डार्क चॉकलेट भी चल रहा, डार्क चॉकलेट चल रहा था। उसके बाद आपने ओवर सेंट्रलाइजेशन के बाद रिलक्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन किया, और रिलक्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हॉटस्पॉट सेंट्रलाइजेशन कम डिसेंट्रलाइजेशन किया, नतीजे में क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास ब्लूप्रिंट आज भी नहीं है, आपके एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन स्टॉक करके रखो, धीरे धीरे चलाओ, कमाल की बात है साहब, मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट एक कैजुअलिटी रहा, और अभी भी सरकार के पास अगर आप वैक्सीनेट नहीं करते हैं कम से कम 3/4 की आबादी को अगले दो महीने मैक्सिमम, I'm afraid अगर थर्ड वेव आई, थर्ड वेव अगर आ गई तो न जाने कितने हाहाकार मचा देगी, तो फिर शायद यही कह सकते हैं कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करे। पेगासस प्रोजेक्ट है, फोन टैपिंग है, जासूसी है, मतलब ये बहुत हद तक साबित भी नहीं है कि जासूसी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सरकार भी जो कहते हैं ना मजबूती के साथ उसको डिनाई कर दे, वो नहीं हुआ है। तो एक चीज देखने को है कि जिस तरह से राफेल के टाइम में जो चीजें मुद्दा खत्म हो गया, तो क्या पेगासस प्रोजेक्ट का जो जासूसी का मुद्दा है वो भी विपक्ष भूल जाएगा? ये हॉन्ट करता रहेगा, जिस दिन कबर्ड खुला बहुत स्केल्टन बाहर आएंगे। हो सकता आज आपका दबदबा है, आप जहां से खुल सकता है उन सोर्सेस को आपने हाईजैक किया हुआ है, या उनको डर से, भय से, लालच से कंट्रोल किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेक्शन ऑफ मेनस्ट्रीम मीडिया। Now, the second point is Pegasus. It's not simply a snooping tool.
शादाब जी, जितना मैंने देखा, आई हैव अ होल पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, द ग्राफिक डिटेल्स ऑफ दिस दैट टेल्स यू हाउ दिस पेगासस थिंग ऑपरेट्स. नाउ इट इज सेड, इट इज अ कॉमन नॉलेज कि ये स्टेट टू स्टेट होता है इस पेगासस का डीलिंग. किसने पेमेंट की, किसने ऑथराइज किया, हु वाज लिस्टिंग आउट द नेम्स, कि ये तो बहरहाल आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म. वाज अ सिटिंग सुप्रीम चीफ जस्ट सुप्रीम कोर्ट जज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अपोजिशन मेंबर्स आर वेयर द सपोर्टर्स ऑफ टेररिस्ट, आपके खुद संघ के लोग, क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? दो दो मंत्रियों का नाम है, दो मंत्रियों का नाम है, और तुर्रा ये बेचारे की विडंबना देखिए, अपना नाम है लेकिन उनको आके स्टेटमेंट पढ़ना पड़ रहा है, जबकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, होम मिनिस्ट्री का मामला है, ये महज आईटी का मामला नहीं है, बल्कि आईटी का कतई नहीं है. आप डिनायल में लगे हुए हैं. एक ने कहा जो भूतपूर्व मंत्री हैं, अब हालांकि अभूतपूर्व प्रवक्ता भी हो गए, उन्होंने कहा कि 45 देश में हो रहा है साहब, क्यों हिंदुस्तान, आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत, इतना खुले मिजाज के मुल्क को रवांडा की श्रेणी में रखना चाहते हैं, एंड यू वॉन्ट अस टू एंजॉय दैट कंपनी? नो सर. बाकी देशों में कम से कम शुरुआत भी इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ तो डिनायल रहा. मनोज सर, मैं वही कह रहा हूँ कि तो फिर विपक्ष ऐसे मुद्दों को, चाहे पनामा हो, राफेल हो, चाहे ये मुद्दा हो, उसको पकड़ क्यों नहीं पाती है? शादाब जी, मैं माफी के साथ कहता हूँ, अक्सर विपक्ष क्यों, ये ना कहिए विपक्ष पकड़ता नहीं, विपक्ष पकड़ता है, लेकिन विपक्ष जहां विजिबल होना चाहिए ना, उन तमाम मीडियम्स पे बहुत बड़ा नियंत्रण है. अब देखिए, एक अखबार गंगा में तैरती लाशों का सच उसने दिखा दिया, सच दिखाया, उसने सच गढ़ा नहीं, सच बनाया नहीं, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई. मतलब आप मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है, भारत समाचार का आप केस लीजिए, आपके फ्रेटर्निटी के, आपके आसपास के लोग, तो ये क्या दर्शाता है? ये मैं एक बात जो शुरू में भी कहना चाहता था कि ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, सरकार की अपनी इनसिक्योरिटी है, जिसको वो चादर उड़ाती है नेशनल सिक्योरिटी का, अब वो चादर उतरने वाली है. ये छोटा मसला नहीं है किसने पैसे दिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मनी. अब भीमा कोरेगांव केस देख लीजिए, अब पेगासस के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस वर प्लांटेड एंड देन यू सेड यू डिस्कवर्ड. कमाल की चीज है, आपके फोन में कोई चीज रख दी जाए और कहा जाए आपके फोन में ये मिला है. ये सब चीजें हम सोचते थे कि छोटे लेवल पर, सब इंस्पेक्टर लेवल पर कभी कभी लोग करते हैं कि किसी के घर में जाके गांजा चरस रख दिया, उसको पकड़ लिया. अब एक भारत जैसा राष्ट्र जिसका इतना लंबा इतिहास रहा है, वहां अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो ये किसी भी दल के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, बियॉन्ड गवर्नमेंट, बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज. जिस तरह से संसद भी, अभी आपने देखा कि लगातार आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, और संसद बहुत हद तक ठप रही और नहीं काम उस तरह से हो सका, तो कह सकते हैं क्या विपक्ष मजबूत है? देखिए, विपक्ष मजबूत है और विपक्ष एकजुट है काफी हद तक, अनप्रेसिडेंटेड, जो कि मैंने नहीं देखा था. कई सारे जो रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग राज्यों के, जो बहुत एम्बिवेलेंट स्टैंड लिया करते थे, उन्होंने अपने एम्बिग्विटी और एम्बिवेलेंस को त्यागना शुरू किया है. आने वाले दिनों में आप और देखेंगे, क्योंकि देखिए, अगर आप सम टोटल देखिए, कोविड मिसमैनेजमेंट, पेगासस रो, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और इस सरकार की हठधर्मिता किसानों को लेकर के देख लीजिए, अहंकार कि हम बातचीत को तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं होंगे, ये बातचीत का तरीका है? एक आलाप को वार्तालाप कहते हैं लोग, किसानों को मवाली कह के निकल जाते हैं. तो अगर आप देखें तो पूरा कैनवस है अपोजिशन के यूनिटी का, वो लोगों ने तय किया है. मतलब हम लोग बात कर रहे हैं विपक्ष की, तो आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हैं एक तरह से, और यूपी में चुनाव है और मायावती ब्राह्मण सभा करा रही हैं, अखिलेश और मायावती साथ थे कब, मतलब 2019 के चुनाव में अलग हो गए, कांग्रेस इससे पहले सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, फिलहाल यूपी में विपक्ष साथ नहीं दिख रहा है. देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ी विडंबना मुझको लगती है, मैं बसपा का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन कांशीराम जी ने एक विरासत छोड़ी थी DS4 के जमाने से लेके बहुजन समाज पार्टी, अब ये ब्राह्मण सम्मेलन को कहां उस विचारधारा में फिट कर पा रहे हैं. ब्राह्मणवाद का विरोध की बिला पे जन्म हुआ था. मैं मानता हूं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग चीजें हैं, लेकिन एक पार्टी को अपनी विरासत
जब वो लेती है तो ये देखना चाहिए कि उसके जो प्रगतिशील तत्व थे उसकी विचारधारा के, वो हवा में उड़ ना जाए। मैं समझता हूं बसपा का मामला मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी जितने दल हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको भी ये सोचना होगा कि एक वो जो पुरानी कहावत थी कि एक पिता ने अपने चारों बेटों को बुलाया, एक एक लकड़ी दी तोड़ने के लिए, सबने तोड़ दिया, फिर उसने चारों लकड़ी का एक गट्ठर बना दिया तो कोई तोड़ नहीं पाया। वो गट्ठर अलग अलग लकड़ियों को चुनके अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं समझता हूँ मुश्किल होगी।